भारतीय स्टेट बैंक कोलारस द्वारा पेंशनरों का किया गया सम्मान। कोलारस में बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक शाखा एबी रोड कोलारस एवं शाखा बिंदल मार्केट कोलारस के द्वारा संयुक्त रूप से वरिष्ठ पेंशनरों के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कोलारस के पेंशनर पूर्व कर्मचारी दोनों शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं जिला अधिकारी सहित पत्रकारगण कार्यक्रम में शामिल हुए। बुधवार की शाम आयोजित कार्यक्रम में माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का संचालन पूर्व प्राचार्य लखनलाल खरे द्वारा किया गया, जिसमें पेंशनर संघ के पदाधिकारियों एवं पूर्व कर्मचारियों की अपने सुझाव एवं समस्याएं शिविर के दौरान रखी गई तथा बैंक के शाखा प्रबंधकों द्वारा पेंशनरों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के उपरांत पेंशनर संघ को बैंक की ओर से 10 कुर्सियां भेंट की तथा कार्यक्रम में शामिल पूर्व कर्मचारियों को बैंक की ओर से किट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वल्हार कराया गया। 26 जुलाई 2023 को भारतीय स्टेट बैंक एबी रोड कोलारस बिंदल मार्केट कोलारस द्वारा वरिष्ठ पेंशनर सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें कोलारस क्षेत्र के पेंशनर उपस्थित हुए, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मुकेश कुमार राठौर, शाखा प्रबंधक नीरज शर्मा, अजीत सिंह यादव, पेंशनर संघ कोलारस से गोयल चतुर्वेदी, डॉक्टर लखनलाल खरे एवं समस्त पेंशनर और पत्रकारगण, वरिष्ठ हरीश भार्गव, विशोक व्यास, अशोक चौबे, मोनू प्रधान शाखा द्वारा पेंशन संघ को 10 कुर्सी दान की और बैंक की तरफ से बैंक किट सभी को दी, जिसमें पासबुक, एटीएम की रिंग आदि के साथ में आज के दिन कारगिल विजय दिवस को सभी लोगों ने शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन भी धारण किया। आप लोगों ने 30 या 40 ईयर की सर्विस दी है, बहुत सारी बैंकिंग और बहुत सारी ब्रांचों में अदर अदर बैंक में आपने दिया है, तो हमारा आपसे पहला रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर हम लोगों से सर प्रयास करते हैं कि 100 में से 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें, आपके आने के बाद ना कोई किसी लाइन में खड़ा होगा, क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूँ, जब 60 साल की एज होने के बाद आप आधे घंटे खड़े नहीं हो सकते। तो मैं के लिए आपने देखा होगा इस वित्तीय वर्ष में लाइफ सर्टिफिकेट मैंने अपनी केबिन में बैठ के सभी के भरे हैं, तो साहब लाइफ सर्टिफिकेट में किसी को कोई वो नहीं होगी। थर्ड मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि सर जो आपका डिपॉजिट सेविंग में डला हुआ है, कृपया उसको सेविंग में कम रखें, क्योंकि आजकल ओटीपी वगैरह बहुत कुछ हो जाता है, एज बढ़ने के बाद में अपनी थोड़ी मानसिक यादाश्त पे अंतर आता है और कभी जल्दबाजी में किसी को ओटीपी वगैरह दे दिया तो अपने कमाई जो अपनी जीवन की कमाई है उसके साथ अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो मेरा स्पेशली सबसे रिक्वेस्ट है कि एटीएम का पिन किसी को ना बताएं, मोबाइल पे ओटीपी आए किसी को ना बताएं, बैंक से कॉल जाता है तो अधिकांशतः मेरा नंबर सबके पास सेव है, अगर नहीं है तो उनसे मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सर मैं ब्रांच आ रहा हूं और ब्रांच आके बात करता हूं, फोन पे कोई किसी को ना बताए। अब आ जाता है कि हम इस पैसे का कैसे यूज करें, आप इस चीज को मैं पेंशन प्रोग्राम से अलग नहीं जा रहा हूँ, बैंकिंग से जुड़ा हुआ हूँ तो पेंशन की बात करूंगा, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद, तो मेरा सबसे पहली स्पेशली तो ये है कि फैमिली का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट होता है तो कल कोई भी इशू आ जाता है तो आप लोगों को बैंक के चक्कर नहीं लगाना है, तत्काल आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, कोई भी 2 में से 1% होता है उसको इजली अपन उसको फंड रिफंड हो जाता है और वो नॉर्मली अपनी लाइफ को सुचारू रखता है।